प्यारी क्यूट हाउसवाइफ बन पाए एंड खुश रह पाए एंड अपने लिए समय निकाल पाए, क्योंकि हम घर के काम में ऐसे पिस जाते हैं कि हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड हेल्पफुल बातें करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में एक्चुअली मैं बहुत देर से सोच रही थी इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ एंड हमेशा हैप्पी एंड मोटिवेटेड कैसे रहती हूँ चीज़ें करने के लिए, बशर्ते मेरी तबीयत बहुत मज़ेदार नहीं रहती है। सो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने घर को मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड क्लीन रख सकते हैं ज़्यादातर टाइम एंड हैप्पीली अपने घर के टास्क कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना, उससे मुझे बहुत हेल्प होती है एंड उससे ये भी होगा कि आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ मैं। सो सब्सक्राइब करें एंड बेल को भी क्लिक करना, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, टिंग टॉन्ग हो जाए आपके फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तब पता चल जाए कि सबसे बेस्ट वीडियो आ चुकी है। सो शुरुआत करते हैं। घर को संभालने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को संभालें। सो मेरे हिसाब से जब आप सुबह उठते हैं थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। अगर आपको अच्छा लगता है अकेले चाय पीना, अगर आपका रूटीन, आपके घर का रूटीन 7 o'clock शुरू होता है, तो कोशिश करें कि आप 6:30 उठ जाए। अगर 6:30 होता है 15-20 मिनट पहले उठ के थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड कर ले। उसमें आप कॉफ़ी पी सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, पीसफुल वो 15-20 मिनट आपको पूरे दिन का काम करने के लिए एनर्जी दे देंगे, ये चीज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद है कि आप अपना मॉर्निंग का एक छोटा सा रूटीन बना लें, जिसमें ये है कि मॉर्निंग बहुत बिजी होती है एंड आपको बच्चों को स्कूल भेजना है, पास दौड़ वाला समय है, वो पास दौड़ वाला समय जब निकल जाता है तो आप नहाए, तैयार होए एंड एक आउटफिट, आपका यूनिफॉर्म आउटफिट होना चाहिए जो कि आप पहन के अच्छा फील करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है। रिसेंटली मैंने एक कमेंट भी पढ़ा है मेरी वीडियो पे कि उसने कहा कि वो सारा दिन पीजे में ही निकल जाता है, उसका कपड़े चेंज करने के लिए मन नहीं करता और इतना ज़्यादा काम होता है घर का कि बिल्कुल उसके पास समय नहीं अपने आप को तैयार करने का, कपड़े चेंज करने का वगैरह। जैसे मैं सोती हूँ वैसे उठती हूँ, वैसे फिर मैं सो जाती हूँ। सो एक 15-20 मिनट अपने आउटफिट पे लगा लें। बहुत बेसिक सारे आउटफिट रख लें, पीजे रख लें, कंफर्टेबल पैंट्स रख लें एंड कोई टॉप जो कि थोड़ा सा स्लीप से डिफरेंट हो, लाउंज वेयर किस्म का, और आपको पहन के लगे कि आप थोड़े तैयार हुए हैं। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो घर में रहते हैं, जो बाहर जाते हैं वो तो ऑब्वियसली तैयार होंगे, पर जो घर में रहते हैं वो सारा दिन किसे पिटे कपड़ों में समय निकाल देते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, पर मैंने नोटिस किया है जिस दिन मैं तैयार हो जाती हूँ सुबह, उस दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव होती हूँ, बहुत हैप्पी होती हूँ और बहुत सारे मैं काम कर पाती हूँ। पर जिस दिन मैं लेजी कपड़ों में रहती हूँ तो फिर सारा कुछ लेजी हो जाता है। नहाने के बाद एक अच्छा सा आउटफिट पहन लें, ना 10-15 मिनट का तैयार हो, बालों को बनाएं, आप अपनी रेगुलर ज्वेलरी पहन सकते हैं। और ज्वेलरी को लेके याद आया, लुक एट दिस, कितनी प्यारी ज्वेलरी पहन के रखी है ना मैंने आज। ये मेरी स्टोर में से खरीदी है मैंने। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे स्टोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। मेरे स्टोर का नाम बहुत ही आसान सा है, sibarshop.com एंड ये 18-कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है जो कि पानी में भी ठीक रहेगी। आप जब नहाते हैं या पानी में जाते हैं आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ये वाटर रेजिस्टेंट है एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगी। सो जरूर से अपने पेयर्स खरीद लें एंड हमारी स्टोर में बहुत अच्छी और बड़ी कलेक्शन आने वाली है। बेसिक सी कोई डेंटी डू ज्वेलरी पहने एंड थोड़ा सा मेकअप पे समय स्पेंड कर लें 10-15 मिनट। अगर नहीं अच्छा लगता है तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं एंड उसके बाद मेडिटेट करें। ये सारा काम आप नहाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, तैयार होने के बाद, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, पर 10-15 मिनट की मेडिटेशन जरूर करें। अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं अच्छा है, उसके हिसाब से मेडिटेट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी के तरीके से कर सकते हैं मेडिटेट। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ थोड़ा मी टाइम स्पेंड करें एंड ग्रेटिट्यूड दिखाएं, ऊपर की तरफ देख के ना बो डाउन करें एंड ग्रेटिट्यूड दिखाएं कि मुझे ये एक और दिन जीने का मौका मिला है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड से दिन शुरू करते हैं ना, बहुत अच्छा दिन जाएगा एंड ये करके देखना, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये सारे टास्क करने के बाद हमारा शुरू होता है दिनचर्या। अब हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है। आप तैयार हैं, आपने मेडिटेट कर लिया है,
एंड आपने अपनी यूनिफॉर्म भी पहन ली है हाउस मेकर वाली, एंड अब हम करेंगे हमारे घर के काम। तो सबसे पहला है जो कि आप उठते ही कर सकते हैं, पर अगर आप उठते हैं और आपके हस्बैंड सो रहे हैं उनको धक्का मार के मत करें। जब सब उठ जाते हैं आप बेड बना लें। सबसे पहला काम है बेड बनाने का। जब बेड बन जाता है ना तो साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिटी के तरीके से एक टास्क अकम्प्लिश हो जाता है। आई डोंट नो, नोटिस करना, जिस दिन आपका बेड बना होगा ना आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। सो उठते ही बेड बनाएं। सबसे पहला आपका टास्क ये है। जब बेड बन गया बाकी के काम हम बाद में करेंगे। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बारे में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं गूगल से भी, कि बेड बनाना आपके माइंड सेट को कैसे चेंज करता है और आपको कैसे मोटिवेट करता है बाकी टास्क करने के लिए, क्योंकि आपने एक टास्क ऑलरेडी अकम्प्लिश कर लिया है। और अपना हर दिन कुछ ना कुछ क्लीन करने से शुरू करें। छोटा सा कुछ क्लीन करें, बड़ा सा कुछ क्लीन करें, पर कुछ ना कुछ क्लीन करें। लाइक आप अपनी किचन में से कोई कोना क्लीन कर सकते हैं, कोई ड्रॉअर क्लीन कर सकते हैं, कोई क्लोजेट क्लीन कर सकते हैं, या कोई छोटा मोटी शेल्फ क्लीन कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रोज़ क्लीन करते जाएंगे ना, एंड ऑफ द डे आपका पूरा क्लीन रहेगा, क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ क्लीन करते रहते। इससे एक मोटिवेशन मिलती है दिन को अच्छे तरीके से बिताने के लिए। सो कुछ ना कुछ क्लीन ज़रूर करें एवरी डे। अच्छा होगा कि आप शुरुआत में ही कुछ ना कुछ क्लीन कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा घर टू द पॉइंट ऑलवेज रहता है। सो हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा क्लीन करने के लिए। मैं कई बार कोई शेल्फ कर देती हूँ, कई बार क्लोजेट कर देती हूँ, कई बार लॉन्ड्री वाले ड्रॉअर्स कर देती हूँ या लॉन्ड्री की कबर्ड कर देती हूँ। ऐसे कुछ कुछ क्लीन करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे कुछ क्लीन हो जाएगा। इसी के साथ मिलना जुलता है कि कुछ ना कुछ क्लीन करते रहते हैं ना, क्लीन एज यू गो। ऐसे मत वेट करें कि चीज़ों को पाइल अप होने दें कि मैं वीकेंड में ही क्लीन करूँगा, संडे को ही क्लीन करूँगा। हो रहे दो जो गंद हो रहा है, इतना ज़्यादा हो जाएगा फिर आप कर ही नहीं पाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो जाएगा। सो जैसे जैसे कुछ ना कुछ क्लीन होता है करते रहा करें। लाइक अगर आपने कोई चीज़ उठाई है उसे नीचे मत रखें, उस जगह पर पहुँचा दें। बहुत बार होता है कि आप अपस्टेयर्स हैं एंड आपको कुछ नीचे लेके जाना है और आप सोचते हैं अगली बार ले जाऊंगी, नहीं इसी बार ले जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे अगर पाइल अप नहीं होगा ना तो काम कम हो जाएगा। सो थोड़ा 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 करते रहे उसको पाइल अप करके। ये मत सोचे कि मैं वीक के एंड में या मंथ के एंड में सारा कर दूंगा, पागल हो जाएंगे आप। सो थोड़ा थोड़ा करते रहे। और अगला है कि परफेक्शन के साथ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में आप सोचते हैं मैं परफेक्ट करूँगा पर कल करूँगा, परफेक्ट करूँगा पर तीन दिन बाद करूँगा। जैसा भी होता है क्लीन कर दें, परफेक्शन की चिंता मत करें। ऐसे आपका घर हमेशा क्लीन रहता है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं पूरा डीप क्लीन करूँगी तभी करूँगी, अदरवाइज होने दो डिज़ास्टर। पर नहीं, थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहेंगे तो लंबे समय तक अच्छा क्लीन रहेगा। परफेक्शन दुश्मन है आपकी यहाँ पे। आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्लीन चाहिए। अगला है कि आप अपनी ना एक टू डू लिस्ट बना लिया करें। अगली चीज़ आप कर सकते हैं कि अपनी एक टू डू लिस्ट बना लें, जो कि आपकी वीकली, डेली और मंथली हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हम मंथली करते हैं, जैसे घर की डीप क्लीनिंग हो गई या फ्रिज को क्लीन करना या ओवन को क्लीन करना। सो ऐसे आपको पता चल जाएगा, टास्क ब्रेक डाउन हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको डेली करनी चाहिए, कौन सी वीकली, कौन सी मंथली। जैसे वीकली में आ सकता है आप लॉन्ड्री वीकली करते हैं या फिर ग्रॉसरी शॉपिंग वीकली करते हैं। ऐसे आपको पता होगा ना कि मैं हर थर्सडे को ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाती हूँ, तो आपको पता है कि आज मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाने वाली हूँ तो मैं आज क्लीन नहीं कर सकती हूँ, तो जो दिन बचा हुआ है उस दिन वो आप क्लीन कर लें। सो ऐसे अपना ना ब्रेक डाउन कर लें अपने हिसाब से, कौन सा दिन आपका बिजी होता है, कौन सा ईजी होता है, उसके हिसाब से बड़े टास्क उस दिन रख लें। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कितने टास्क हैं और आपको कैसे उनको ब्रेक डाउन करना है। एंड पहले तो मंथली करेंगे बड़े बड़े टास्क, फिर उसको वीकली में डिवाइड कर लेंगे, एंड वीकली को हम एवरी डे में बांट लेंगे कि हर मंडे को आपको घर के सारे वॉशरूम्स क्लीन करने हैं, उसके बिना कुछ भी क्लीन नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक बार क्लीन कर रही हूँ मैं सारा घर क्लीन करूँगी, लाइक मैं वैक्यूम करूँगी, लॉन्ड्री करूँगी, वॉशरूम्स को क्लीन करूँगी, किचन को क्लीन करूँगी, डिशेस करूँगी, फ्लोर, मॉप, ब्रूम, डस्टिंग करूँगी, लाइक सारा कुछ मैं एक ही दिन करूँगी। जब से मैंने डिवाइड कर लिया ना कि मैं हर ट्यूसडे को मेरे सारे घर के वॉशरूम्स ही क्लीन करूँगी। मेरे घर में कितने वॉशरूम्स हैं, 1, 2, 4 वॉशरूम्स हैं मेरे घर में। सो वो 4 वॉशरूम्स मेरे ट्यूसडे को क्लीन हो जाए, लाइक सिंक हो जाए, टॉयलेट हो जाए, फ्लोर हो जाए, तो बहुत बड़ा काम खत्म हो जाता है। सो ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि मुझे किस दिन क्या करना है, अदरवाइज यू नो बोझ पड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या करना और ज़्यादा चीज़ें गंदी रह जाती है। सो टू डू लिस्ट बनाना एंड टाइम टेबल बनाना कि किस दिन आपको क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बटा बटा करके लिख लें, रोज़ रोज़ आपको ऐसे
यू नो ए टू जी उसी तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है. किसी दिन आप कोई और चीज़ भी कर सकते हैं, और किसी दिन आपके पास बहुत एनर्जी है वॉशरूम के साथ वैक्यूम भी कर सकते हैं. सो टाइम टेबल से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने टास्क हैं हफ्ते में. हो सकता है एक दिन आप 3-4 कर लें और फिर उस दिन आप आराम कर सकते हैं. सो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में आपके पास क्या क्या है. किचन के काउंटर्स जैसे भी आप क्लीन कर सकते हैं कर दें. मुझे होता है कि जब मैं सुबह की चाय होती है वो सारा बर्तन होते हैं सुबह क्लीन हो जाए तो शाम तक डिजास्टर नहीं होता. एंड फिर मेरा कुकिंग करने के लिए भी मन करता है. मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ मुझे काउंटर्स क्लीन चाहिए, अदरवाइज मैं कुक नहीं कर पाती हूँ. सो जैसे भी आपके पास समय होता है, लाइक चाय पीने के बाद अगर आपके पास 10 मिनट का समय है उस टाइम आप किचन को जल्दी से क्लीन कर दें, क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी करने में आपको बहुत कम समय लगेगा. पर जब आप डिनर कुक करने के लिए जाएंगे आपको क्लीन करना पड़ेगा, डिशेस करने पड़ेंगी, फिर 5-6 टास्क इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर आप पागल हो जाते हैं. सो टू द गो, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए मल्टीटास्क कर सकते हैं, पर मल्टीटास्क हर एक बंदे के बस की बात नहीं है. आप मल्टीटास्क करने के चक्कर में सारे टास्क को बिगाड़ सकते हैं, डिजास्टर हो सकता है. मल्टीटास्क करने से लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है और कोई भी टास्क परफेक्शन के साथ नहीं होता, सारे ही का चमाचा हो जाता. बट कोई टास्क हैं घर के जो आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक जब आप कुक कर रहे हैं और दाल है और उसको सिमर होने में समय लगेगा, उस समय में आप डिशेस कर सकते हैं, काउंटर्स को क्लीन कर सकते हैं, अपनी फ्रिज को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं. मतलब नीचे उसी के पास रहेंगे, उसको जलने के लिए नहीं छोड़ देंगे और कारण आग ही लग जाएगी. मतलब ऐसे अभी लॉन्ड्री चल रही है साइकिल, उसके साथ आप एक लोड को फोल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं या वैक्यूम कर सकते हैं. सो मल्टी टास्क करें, बट वही टास्क जो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. मेरे नोज़ में ना कंजेशन हो रखा है तो आवाज़ मेरी शायद थोड़ी अजीब लगेगी, पर मुझे ये वीडियो बनानी थी. मैंने कितनी देर से प्लान किया था, मैंने सोचा वेट नहीं करेंगे. हर जब बाहर से घर आते हैं तो हर चीज़ की एक ठिकाना होना चाहिए, हर चीज़ का एक डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए, हर चीज़ का घर होना चाहिए. मेरे घर में हर चीज़ का मोस्टली घर है. जिस चीज़ का घर नहीं है ना वहाँ, उसके लिए मैंने एक ड्रॉअर बना के रखा है किचन में. वो सारा जंक वहीं पे जाता है. मैं इतना जंक नहीं है पर मुझे पता है कि उसमें क्या क्या है. लाइक उसमें असेंशियल ऑयल्स हैं, उसमें मेरे नेल कटर्स हैं. सो ऐसी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ टाई नहीं होती वो सारी वहाँ पे हैं. मेरे घर में स्ट्रिक्ट रूल है कि शूज़ अपनी जगह में जाएंगे एंड की अपने बोल में जाएगी या हैंग होगी. अब जैकेट सीधी शू क्लॉजेट में जाएंगी. सो इससे क्या होता है कि जब घर से बाहर से आओ एकदम से क्लीन हो जाता है. फिर थोड़ा सा लेजी हो, जैकेट छोड़ दो, शूज़ छोड़ दो, चाबियाँ इधर उधर छोड़ दो और बाद में आपको कहीं जाना है चाबी नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट होगा और अनहैप्पी होंगे आप, फ्रस्ट्रेट होंगे. बाहर से आते हैं ना तभी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दें. जो आप एक्टिव मोड में चीज़ें कर देते हो ना जल्दी जल्दी वो हो जाता है, नहीं तो फिर कई दिन चीज़ें पड़ी रहती हैं. सो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्टिव मोड कौन सा है. कई बार होता है कि कोई बंदा एक्टिव फील करता है सुबह के कुछ घंटे. मेरे साथ मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसे होता है कि मैं शाम के कुछ घंटे बहुत एक्टिव फील करती हूँ. मैं ग्रॉसरी शॉपिंग भी कराती हूँ, घर में आके डिनर भी कुक कर लेती हूँ, क्लीन भी कर देती हूँ. एंड कई बार मेरी सुबह बहुत बुरी होती है क्योंकि मुझे आर्थराइटिस है. सो ज़्यादातर मेरी मुझे अच्छी नींद नहीं आती है और जब मैं उठती हूँ फिर मेरी बॉडी स्टिफ होती है बहुत, लाइक थक्का टुट्टा लेजी ऐसे ऐसे मैं चीज़ें करती हूँ. उसके बाद मैं वार्म बाथ लेके मेडिटेशन करने के बाद मुझ में ऐसी एनर्जी आती है कि मैं चीज़ें कर पाऊँ. सो आपको देखना है कि आपका एक्टिव मोड कौन सा है एंड कौन से घंटे हैं उसमें आप ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश करेंगे. कई बार ऐसे होता है कि 24 घंटे हैं हमारे पास, उसमें सिर्फ 5-6 घंटे आपके एक्टिव होते हैं और उस 5-6 घंटे में आप हफ्तों का काम कर देते हैं. और जो हाउस वाइफ्स हैं ना वो इतना ज़्यादा काम करती हैं. मॉम भी है, वो वर्क भी कर रही है और वो अपने घर को भी मैनेज कर रही है, अपने बच्चों को भी कर रही है, अपने काम को भी कर रही है. वो इतना ज़्यादा काम कर देती है कि जो लोग ऑफिस जाने वाले एक महीने में करते हैं ना वो एक दिन में उतने टास्क कंप्लीट कर सकती है. इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं हम लोग. और कुछ और क्विक सी टिप्स बताना चाहूँगी. आप घर की क्लीनिंग के लिए मल्टीपर्पज़ क्लीनर यूज़ करें एंड दे कन्फ्यूज मत हो, ये 10 डिफरेंट टाइप के क्लीनर है कौन कहाँ पे जाएगा. सारी जगह सेम क्लीनर यूज़ करें एंड फिर उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. या फिर अगर आप कोई भी बाहर वाले क्लीनर्स नहीं यूज़ करना चाहते, ये बजट के लिए भी अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी, क्या विनेगर एंड पानी का इक्वल मिक्सचर एंड थोड़ा सा डिशवॉशर ऐड करके कुछ ड्रॉप्स अपना क्लीनर बनाएं, हर जगह वही यूज़ करें, बहुत अच्छा है. एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, लाइक ऐसा अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं. हर चीज़ के लिए डिफरेंट चीज़ें मत यूज़ करें, अच्छा होगा आपके लिए.
जल्दी से अपना एक्टिव मोड में अपने टास्क को फिनिश करें, देन रिलैक्स करें। ये मत करें कि रिलैक्स कर लेते हैं बाद में करेंगे, फिर नहीं करेंगे आप, फिर रह जाएगा। और अपने चोर्स को, जो भी घर में आप टास्क करते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं कुछ हिस्सों में, जो आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। बहुत सारे टास्क है जो हम ही कर सकते हैं, हस्बैंड लोग ख़राब कर देते हैं, हमें दोबारा से करना पड़ता है। तो हस्बैंड को ऐसा काम दें जो कि वो ख़राब नहीं कर सकते। जैसे मेरे हस्बैंड सम डेज मेरी हेल्प कर देते हैं वीकेंड्स में पूरे फ्लोर को वैक्यूम करने में, उसमें वो कुछ ख़राब नहीं करते, या वो बहुत परफेक्शन के साथ नहीं करते हैं, पर मेरे सर से एक निकल जाता है कि मुझे वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी तरह डीप वैक्यूम करें एवरी वीक, सो वो टास्क मेरे सर से उतर गया है। सो लॉन्ड्री को मैं वॉश करती हूँ, बहुत बार मैं अपने सन की हेल्प ले लेती हूँ फोल्ड करने में, वो कर देता है फोल्ड, थोड़ी सी हस्बैंड भी कर देते हैं, देन इसमें उसकी हेल्प हो जाती है। सो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा है कि जब भी वो सुबह जल्दी उठते हैं या जब भी वो सुबह किचन में जाते हैं, प्लीज़ डिशवाशर को एम्प्टी करने में मेरी मदद करें। जब डिशवाशर एम्प्टी होता है तो मैं कभी भी डिशेस को क्लीन करके उसमें फिल कर सकती हूँ। ऐसे चोर्स को डिवाइड कर ले ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। जो चोर्स हस्बैंड लोग कर सकते हैं उनको दे सकते हैं, जैसे हिम्मत मेरी डिशेस क्लीन करने में या उनको टिकाने में मदद कर देता है, या सम डेज़ वो डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में कर देता है। ऐसे छोटे छोटे टास्क में जब मदद मिल जाती है ना, तो फिर बहुत इजी हो जाती है आपकी लाइफ। अदरवाइज सब कुछ आप करेंगे, नहीं तो एक टास्क किसी ने कर दिया, अब आपको अगला टास्क करना है। सो मदद लें। आई नो आपको परफेक्शन के साथ मदद नहीं मिलेगी, पर हर मदद मदद है, छोटी है बड़ी है, पर हेल्प तो हेल्प है। एक ईयर में अपने पूरे घर को डीक्लटर ज़रूर से करें। जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे उसको डोनेट कर दें ताकि कोई और यूज़ कर पाए। जो चीज़ें टूटी फूटी हैं, ब्रोकन हैं, उनको ट्रैश कर दें। आपको वो अपने घर में नहीं चाहिए, वो आपके माइंड के लिए अच्छी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के तरीके से भी अच्छी नहीं है। जितना आपका घर क्लटर फ्री होगा, उतना ही अच्छी पॉजिटिविटी एंड अच्छी एनर्जी आपके घर में आ सकती है। जितना आप गंद भर के रखेंगे तो अच्छी चीज़ों को जगह ही नहीं मिलेगी। सो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्प्रिंग में कर ले, एक विंटर में कर ले। सो ऐसे आपका घर हमेशा फ्रेश रहेगा। लॉन्ड्री का भी एक रूटीन बना के रखिए। हर दिन कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, पर आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ पे रहते हैं। हमारे यहाँ पे हम वीकली लॉन्ड्री करते हैं, सम डेज वीक में 2 टाइम भी कर लेते हैं। सो ऐसे आपको पता होगा कि किस दिन आपको लॉन्ड्री करनी है, तो फिर आप बाकी के टास्क पहले कर लेंगे, या उस दिन अपने बाकी के टास्क को थोड़ा इजी रखेंगे कि आज मुझे ये काम करना है। देखो कि लॉन्ड्री बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, धोना बहुत आसान है, पर उसको फोल्ड करके जगह जगह पहुँचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि काम कर देना ज़्यादा अच्छा है परफेक्शन से करने की बजाय, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में चीज़ें रह जाती हैं एंड फिर पाइल अप हो जाता है। सो यस दोस्तों, यही है मेरी प्यारी प्यारी टिप्स आपके लिए कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो जाए एंड आप अच्छी प्यारी क्यूट हाउसवाइफ बन पाएँ एंड खुश रह पाएँ एंड अपने लिए समय निकाल पाएँ। क्योंकि हम घर के काम में ऐसे पिस जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें हमारे लिए भी समय चाहिए। सो दिन की शुरुआत में आप अपने लिए समय निकालें मेडिटेट करने के लिए, तैयार होने के लिए, मेकअप करने के लिए, या फिर कुछ भी अपने लिए करने के लिए निकालें एंड देन जिए अपनी ज़िंदगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई प्यारी प्यारी सी टिप्स हैं वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड मैं मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हमेशा भूल जाते हैं, इतनी प्यारी वीडियोस है, थम्स अप तो बनता है, थम्स अप करें एंड मुझे कमेंट बार में बताना कि मैंने थम्स अप किया है। ओके, जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू इज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। लालू सो मच चीज़, simorshop.com पे जाके ज्वेलरी को खरीदना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत प्यारी ज्वेलरी है हमारे पास। एंड लैशेस, ये मैंने आज गोवा स्टाइल पहना है, लैशेस का हमारी वेबसाइट पे स्पेशल चल रहा है, 2 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगी। सो उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है June11, और अगर आप $60 स्पेंड करते हैं मेरी वेबसाइट पे तो फ्री शिपिंग है एंड हम वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सी या, love you so much.